दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, फेसबुक रिसेंटली नया रिव्यू कुछ ऑप्शंस लाया है। तो फेसबुक अपने प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज किया है, तो ऐसे में आपको चेंज करना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है कि क्या सेटिंग्स चेंज हुआ है, कैसे आप इस चीज़ को बहुत सेफ कर सकते हैं, ताकि आप बहुत सेफली ब्राउज कर सकते हैं। कुछ भी जो भी आप शेयर कर रहे हैं फेसबुक में, वो अपने कंट्रोल में होना ज़रूरी है। तो इसके वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो भी था कि फेसबुक प्राइवेसी सेटिंग्स को कैसे चेंज करें एंड क्या कुछ चेंज करना चाहिए एक वेरी सेफ एनवायरनमेंट फेसबुक में रहने के लिए। मान लीजिए कुछ आप पोस्ट कर रहे हैं एंड आपको पता भी नहीं, ये अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर हो रहा है एंड वहाँ से कुछ मिसयूज़ हो रहा है, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके वजह से अपने कंट्रोल में रहना हमेशा ज़रूरी होता है। तो इसके वजह से फेसबुक ने भी बहुत अच्छे सेटिंग्स दिए हैं। तो इन सेटिंग्स को कैसे आप चेंज करके एक सेफ फेसबुक ब्राउजिंग एक्सपीरियंस पा सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या फेसबुक सेटिंग्स है एंड क्या कुछ चेंज करना है आपको फेसबुक के सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थ्री स्ट्राइप्स जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टैप करना है। तो ये टैप करने से आपको ये सारे जो सेटिंग्स यहाँ पर है, ये सारा चीज़ मिलेगा, जहाँ भी आप सेव किए हैं ये सारे यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आखिर में है आपको हेल्प एंड सपोर्ट एंड सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। तो फिलहाल हम सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पर जाएंगे। तो ये सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में यहाँ पर सेटिंग्स जनरल सेटिंग्स है एंड यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगा, योर टाइम ऑन फेसबुक। तो इसको टैप करने से आपको डेली कितना स्पेंड करते हैं एवरेज पर डे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इससे आप अपना जो भी फेसबुक का यूसेज रहता है वो कम यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा है तो। तो ऐसे में आपको डिटेल में बताएगा कि कितने मिनट आप डेली स्पेंड कर रहे हैं फेसबुक स्क्रॉल करते हुए। तो नेक्स्ट यहाँ पर है सेटिंग्स। तो यहीं पर सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है कि अपना फेसबुक अकाउंट जो है वो कितना सेफ है एंड कैसे सेफ आप रखे है। सबसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लैंग्वेज है, पेमेंट्स है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एंड लॉगिन जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि कब कहाँ से आप लॉगिन हुए थे। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगा एंड देखिए यहाँ पर लिखा है चूज़ फ्रेंड्स टू कॉन्टैक्ट इफ़ यू आर लॉक्ड आउट, मतलब कि अगर आपका अकाउंट किसी ने हैक कर दिया तो लॉक हो गया, आपके पासवर्ड से भी लॉगिन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स जो है, ट्रस्टेड फ्रेंड्स जो रहते हैं या फिर अपने पेरेंट्स कहिए, तो उनके नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वहाँ पर जाके वो क्या करेगा कि मैसेज भेजेगा, कुछ कोड्स भेजेगा, वो कोड्स को आप यूज़ करके फिर से लॉगिन करके आप पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं। चूज़ ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स पर आपको टैप करना है एंड इस पर टैप करते ही आपको कॉन्टैक्ट्स चॉइस करना है एंड उसके बाद आप सेलेक्ट जो नंबर सेलेक्ट करते हैं उनको मैसेज आएगा अगर आप लॉक्ड आउट होते हैं तो। तो ये वाला यहां से चेंज करना है। नेक्स्ट है चेंज पासवर्ड। तो चेंज पासवर्ड है, देखिए स्ट्रांग पासवर्ड ये होता है जिसमें तीनों इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर हो एंड इवन अल्फा न्यूमरिक, मतलब कि टेक्स्ट भी रहना चाहिए, अल्फाबेट्स रहना चाहिए एंड उसके साथ है नंबर एंड उसके साथ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे अंडरस्कोर एंड हो या ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को आपको डालना पड़ेगा। तो ऐसे आपका पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा, जैसे कि ABC अंडरस्कोर डाल के नंबर 2345 एंड अंडरस्कोर डाल के आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर एंड डाल के कुछ भी आप आगे लिख सकते हैं। तो ऐसे में स्ट्रांग पासवर्ड रहेगा एंड ऐप पासवर्ड्स जो है, जो भी अपने ऐप्स हैं उसके रिलेटेड पासवर्ड्स अगर आप यहां पर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ऑथराइज्ड लॉगिन्स है, मतलब कहां कहां से लॉगिन हुआ है आपका डिवाइस, तो ये वाला चीज़ यहां पर आपको डिटेल में दिखाई देगा। तो इन सबसे इम्पॉर्टेंट है यूज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये होता है जब भी कोई भी लॉगिन करता है तो आपके मोबाइल के मैसेज, रजिस्टर्ड मोबाइल के मैसेज भेजता है कि वहाँ पर आपको पता चलेगा किसी ने अगर लॉगिन किया है तो। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन सिक्योरिटी कोड आपको भेजेगा एंड उस कोड को यूज़ करके ही आपको भी लॉगिन करना पड़ता है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, हाईली रिकमेंडेड है, आप अभी जाकर इस चीज़ को एनेबल कीजिए। कैसे करना है, गेट स्टार्टेड बट टैप करना है। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से भी आप कर सकते हैं विच इज़ वेरी ऑसम एंड वैसे टेक्स्ट मैसेज, तो यूजुअली मैं टेक्स्ट मैसेज को रखता हूँ। देखिए वी विल सेंड ए कोड टू टेक्स्ट मैसेज टू गेट यू सेटअप, मतलब कि वो मुझे मैसेज भेजेगा एंड वो वाला कोड यहाँ पर एंटर करूँगा। तो हमेशा अगर मैं इस मोबाइल से लॉगिन करना चाहता हूँ तो उस कोड को मुझे डालना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अभी जाकर इस चीज़ को सेटअप कीजिए। द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन एंड टैगिंग, ये वाला देखिए हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, मतलब
अपना जो प्रोफाइल रहता है, अपने प्रोफाइल पर आकर कौन पोस्ट कर सकता है, अपने फ्रेंड्स पोस्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कर सकते हैं, या फिर ओनली मी। अगर आप चाहते हो कि अपने फ्रेंड्स भी अपने प्रोफाइल पर आकर कुछ पोस्ट ना करें, तो आप सिर्फ ओनली मी करके रखिए, मतलब सिर्फ आप ही को पोस्ट करने आता है अपने प्रोफाइल पर। तो ऐसे रखना चाहते तो ये वाला रख सकते हैं, विच इज़ वेरी सिक्योर एंड सेफ रहेगा। ऐसे कोई भी आके अपने फ्रेंड्स में अपने टाइमलाइन पर पोस्ट नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ हु कैन सी वॉट अदर पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। मतलब इसका अर्थ यह है कि आपके टाइमलाइन में जो भी आप पोस्ट करते हैं, मतलब अपने प्रोफाइल में जो भी आप पोस्ट करते हैं, कौन देखना चाहता है वो, मतलब कि फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स या फिर पब्लिक, एवरीवन, मतलब जो भी आता है अपने फेसबुक प्रोफाइल देखने, वो सारा चीज़ आप देख भी सकता है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रेंड्स या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रखिए, मतलब अपने फ्रेंड्स जो रहते हैं उनके फ्रेंड्स भी रहते हैं, वो भी आकर अपने प्रोफाइल में जो आप पोस्ट किए हैं वो देख सकते हैं। तो ये वाला चीज़ जो है वो पर्सनल के ऊपर है, आपको कैसा अच्छा लगता है वो वाला रखिए। मैं सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या फिर आप इवन चॉइस करके भी रख सकते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स एक्सेप्ट कुछ लोगों को छोड़ के बाकी फ्रेंड्स देख सकते हैं अपना पोस्ट, वो भी आप डाल सकते हैं अगर आपको किसी से पर्सनली दुश्मनी है तो। द नेक्स्ट वन इज अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। अभी फेसबुक का स्टोरी है, अपने पोस्ट लेकर उनके प्रोफाइल के स्टोरी में अगर डालना चाहते हैं, वो अलाउ करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से यस और नो आप कर सकते हैं। हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन ऑन योर टाइम लाइन। मतलब अगर मान लीजिए आपने फोटो पोस्ट किया, तो वहाँ पर अपने फ्रेंड्स को टैग करते हैं, एंड इवन आप खुद को भी टैग कर सकते हैं। ये वाला अगर भूल जाते हैं, कोई फ्रेंड्स आकर आपको टैग करता है, तो वो कौन कर सकता है टैग, ये वाला यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, एवरीवन है, फ्रेंड्स एक्सेप्ट, आप कुछ लिस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रेंड्स ही रखिए। व्हेन यू आर टैग्ड इन पोस्ट, मतलब कि अपने फ्रेंड्स जो है वो आपको टैग करता है, तो कौन टैग कर सकता है, मतलब फ्रेंड्स ही टैग कर सकता है, या फिर सिर्फ आप ही देख सकते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स नहीं देख सकते हैं। तो आई थिंक ये फ्रेंड्स अगर रखेंगे तो सही है। फिर टैग सजेशंस करते रहता है ना, अगर आप किसी पर्सन के अपने फ्रेंड्स के साथ फोटोज़ लेते हैं, तो वहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा कि शायद ये फ्रेंड होगा इस फोटो में, आप टैग करो करके। तो अगर वो नहीं चाहते तो नो वन करके आप यहाँ से रख सकते हैं, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर टैग्स अपियर ऑन फेसबुक। मतलब फेसबुक के ऊपर अपने फ्रेंड्स जो पोस्ट करते हैं, आपको टैग करते हैं अगर, तो यहाँ पर आपके परमिशन के बाद ही वो टैग हो सकता है। तो ऐसे करने में इस चीज़ को टैग रिव्यू करके ऑन करके रख सकते हैं। तो ऐसे आप इस चीज़ को, टाइमलाइन को ज़रूर रिव्यू करके जैसा चेंजेस आपने को चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। एंड पब्लिक पोस्ट देखिए कौन फॉलो कर सकता है आपको, फ्रेंड्स ही फॉलो करना है या फिर कोई भी अपने प्रोफाइल में आता है तो फॉलो कर सकते हैं। फॉलो एंड जो फ्रेंड्स रहता है वो अलग है, फॉलो जो होता है पब्लिक में, अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं वो अगर पब्लिक देख सकता है तो वो फॉलो भी कर सकता है, तो ऐसा रहता है। अगर आप पब्लिक को रखना चाहते हैं, हु कैन फॉलो मी, तो आप पब्लिक बना सकते हैं, या फिर सिर्फ फ्रेंड्स ही फॉलो कर सकते हैं पोस्ट्स को, तो सिर्फ फ्रेंड्स को रख सकते हैं। वैसे कमेंट पोस्ट करने के लिए, अगर आप पब्लिकली पोस्ट करते हैं कमेंट्स, तो कौन देख सकता है, सिर्फ अपना फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, या फिर पब्लिक भी दे सकता है, तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है मैं दिखाना चाहता था कि प्राइवेसी सेटिंग एंड टाइमलाइन टैगिंग एंड पब्लिक पोस्ट, इन तीनों को आप हमेशा चेंज करके उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो सिक्योरिटी एंड लॉगिन में था, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल ज़रूर करना। तो इन चीज़ों को आप चेंज करके कैसे अपने को चाहिए वैसे आप कस्टमाइज करके ही आप फेसबुक को यूज़ कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये सेटिंग्स यूजफुल हुआ तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन एंड पीस सेफ, बाय बाय।